तो भाई लोग इंडिया गया है आयरलैंड के दौरे पे। आप सबको पता जो इंडिया है ना उसने नई टीम भेजी है, जसप्रीत बुमराह उसके कप्तान होंगे। और दोस्तों क्या ये जो नई टीम है आयरलैंड के घर में आयरलैंड को मात दे पाएगी, या आयरलैंड बोलेगी भैया मौका अच्छा है छोटी टीम आई है इनको धोखे भेज देते। तो पहला T20 मैच कौन सी टीम करेगी अपने नाम आयरलैंड या फिर इंडिया, आज की वीडियो में ना हम वही जानेंगे। वैसे अगर हम इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो इससे पहले 5 बार आमना सामना हुआ और 5वें मैच इंडिया ने आयरलैंड को धो डाला, मतलब आयरलैंड को एक भी मैच अभी तक T20 में जीतने ना दिया। तो क्या इतिहास का पहला मैच आयरलैंड इंडिया के सामने हरा पाएगा, या फिर दोस्तों इंडिया इतिहास को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा और बोलेगा आयरलैंड तुम्हें हमें हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज की वीडियो हम यही जानेंगे, तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है ना मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूँ, आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूँ। तो भाई का सपोर्ट कर दो यार, करना क्या कुछ भी नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ में ना मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आयरलैंड वर्सेज इंडिया के अलावा लंका प्रीमियर लीग चल रही, CPL भी स्टार्ट हो गया, द 100 मैन एंड वुमेन कंपटीशन भी चल रही, तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली वेड एक्सर आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाती है, जरूर ज्वाइन करें। बस एक चीज का ध्यान दें, फेक से बचे, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और कैसे ज्वाइन नहीं करना, जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पे जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग जो मैच है ना फ्राइडे 18 अगस्त इंडिया टाइम अनुसार 7:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हो। यह मुकाबला खेला जाएगा द विलेज डबलिन में, यहां के मैदान पे अभी तक T20 के 16 मैच खेलेगा, जिसमें से 7 मैच में टारगेट डिफेंड हुआ, 9 मैच में टारगेट चेज, मतलब यहां के मैदान पे चेज और डिफेंड की जो कहानी है वो तो बिल्कुल बराबरी की है। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 163, 163 रन, टारगेट चेज की बात करें 155, 155 के नीचे स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 171, 171 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 155 से 171 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना अभी तो मामला बराबरी का आ गया, चेज भी हो सकता और डिफेंड भी हो सकता। भाई लोग यहाँ का जो सरफेस है ना वो थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए शुरू में न्यू बॉल से जो तेज गेंदबाज है उनको थोड़ा बहुत हेल्प करता है, लेकिन जैसे बॉल की साइनिंग खत्म होती है जो बॉल होता है बैट पे काफी ज्यादा अच्छे से आता है। बाउंड्री लेंथ की बात करें थोड़ा सा मीडियम है, इसलिए जो स्पिनर्स गेंदबाज है उनको कुछ विकेट मिल जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना उनकी थोड़ी सी पिटाई भी चलती रहती है, इसलिए यहाँ पे जो मैच होता है मीडियम स्कोरिंग होता है या फिर थोड़ा सा हाई स्कोरिंग देखने को मिलता है, कभी कभी लो स्कोरिंग भी हो जाते हैं। लेकिन हम आज के मैच की बात करें तो मुझे लगता है मीडियम स्कोरिंग मैच ही होगा। पावर प्ले स्कोर की बात करें तो 49 से 54 के बीच में देखने को मिल सकता है। 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 155 से 170 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो आयरलैंड ने अपने इस घर में 10 मैच खेला, बस जीते 2, 8 मैच हार गए, यानी जो आयरलैंड की टीम है ना अपने ही घर में बढ़िया परफॉर्मेंस ना कर पाती तभी 10 में से बस 2 ही जीता, 8 मैच हार गए। इंडिया की बात करें तो 4 मैच खेला इस मैदान पर और 4वें मैच जीता, तो इंडिया को द विलेज डबलिन का जो मैदान है इससे प्यार है, तभी तो 4 मैच खेले 4वें मैच जीते। और दोस्तों ये जो 4 मैच था ना आयरलैंड से ही खेले, मतलब आयरलैंड अपने ही घर में इंडिया को एक भी बार हरा ना पाए। तो आज के मैच में क्या होगा चलो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आयरलैंड की, अगर हम इनकी ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो कप्तान पॉल स्टर्लिंग के साथ एंड्रू बारबेनली ये दोनों ओपन करते नजर आएंगे। पहले एंड्रू बारबेनली कप्तान हुआ करते थे, अभी पॉल स्टर्लिंग हो गए। पॉल स्टर्लिंग की बात करें तो कमाल के T20 के प्लेयर है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, जो शुरू से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बात करें एंड्रू बारबेनली की थोड़ा समझदारी के साथ इनिंग को संभालते उसके बाद फोड़ते हैं। तीसरे नंबर पर यंग रोस एडेयर की बात करें तो पिछले 1-2 सीरीज से इनको खिलाया जा रहा है, लेकिन बढ़िया परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं रोस एडेयर। चौथे नंबर की बात करें तो हैरी टेक्टर की बात करें तो जब लास्ट टाइम इंडिया गया था 1-2 साल पहले आयरलैंड के दौरे पर तो इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी, उसके बाद कभी फॉर्म में रहे कभी फॉर्म में नहीं रहे। पांचवें नंबर की बात करें तो लॉर्कन टकर जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, ये भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करके जाते हैं लेकिन कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, जब चलते हैं तो बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। छठवें नंबर की बात करें तो कुर्तिस कैंपर आज के टाइम पे आयरलैंड के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से अपने बल्ले से फिनिश करते हैं, जरूरत पड़ने पे थोड़ा बहुत गेंदबाजी भी करके देते हैं। सातवें नंबर की बात करें तो आपको यहाँ पे गैरेथ डैनली दिखेंगे, गैरेथ डैनली की बात करें तो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं, थोड़े बहुत बल्लेबाजी भी करते हैं, मतलब अपनी टीम को ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके बैलेंस देते हैं। आठवें नंबर पर जॉर्ज डॉकरेल खेलते नजर आएंगे, जॉर्ज डॉकरेल की बात करें तो ये भी बॉलिंग ऑलराउंडर है जो बॉलिंग ठीक ठाक करते हैं, जरूरत पड़ने पर थोड़ी बहुत बल्लेबाजी ये भी करके देते हैं। नौवें नंबर की बात करें तो आपको यहाँ पे मार्क एडेयर दिखेंगे, मार्क एडेयर
प्लेयर की बात करें तो कमाल का गेंदबाज है जो न्यू बॉल से स्विंग करवाता है, उसके बाद डेथ में भी मतलब वेरिएशन अच्छी करते हैं। वहीं 10वें नंबर की बात करें जोशुआ लिटिल, नाम लिटिल है लेकिन काम ये बड़े करते हैं, क्योंकि न्यू बॉल से पहले स्विंग करके विकेट चटकाते हैं, उसके बाद डेथ ओवर में या मिडिल में जो वेरिएशन करके गेंदबाजी करते हैं ना भाई साहब, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का। 11वें नंबर की बात करें तो क्रेग यंग, क्रेग यंग या बैरी मैक करती, दोनों में से कोई एक खेलेगा। अगर हम यहाँ पर क्रेग यंग की बात करें तो ठीक ठाक गेंदबाज है, कभी चलते कभी नहीं चलते, तो थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा कि हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे आयरलैंड की बात करें तो जो टीम है ना वो थोड़ा सा बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि इनके पास ठीक ठाक बल्लेबाज है, ठीक ठाक गेंदबाज है और ठीक ठाक ऑलराउंडर भी है। वहीं दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया नई टीम के साथ गया है, तो जो इनकी ओपनिंग जोड़ी होगी ना यशस्वी जायसवाल के साथ ऋतुराज गायकवाड़। जायसवाल की बात करें तो जहां भी मौके मिल रहे बढ़िया परफॉर्मेंस करके आने में, वेस्ट इंडीज गए थे वहां पर धमाल मचा के आए, अब आयरलैंड में बारी है तो मुझे लगता है यहाँ पे भी बढ़िया खेल के जाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो आईपीएल में डोमेस्टिक में हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस करते, इंटरनेशनल लेवल पे उतने मौके नहीं मिले, दो चार ही मौके मिले थे, तो यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ के पास बढ़िया मौका होगा अपने आप को प्रूव करने का। तीसरे नंबर की बात करें संजू सैमसन, संजू सैमसन मुझे लगता है जो नंबर पसंद है यहाँ पे वो नंबर पे खिलाया जाएगा तीसरे नंबर पर, और जब तीसरे नंबर पे संजू सैमसन बल्लेबाजी करते ना तो काफी ज्यादा खतरनाक दिखते हैं। चौथे नंबर की बात करें तिलक वर्मा, जो कि वेस्ट इंडीज में अपने आप को प्रूव किया कि भैया मैं चौथे नंबर के लिए तैयार हूँ तो मुझे खिलाते रहो, तो वो खेलेंगे। पांचवें नंबर पर यहाँ पे रिंकू सिंह का डेब्यू हो सकता है। रिंकू सिंह की बात करें तो नाम तो याद ही होगा, जो 5 छक्के लगाकर मैच जिताए थे, मतलब इस सीजन आईपीएल में दमदार परफॉर्मेंस करी उसका इनाम मिला। रिंकू सिंह के पास मौका अच्छा है पांचवें नंबर पे अपनी जगह फिक्स करने के लिए। 6वें नंबर की बात करें तो शिवम दुबे ने भी इस बारी चेन्नई के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस करी है, बल्ले से बहुत जबरदस्त तरीके से फिनिश किया है, तो शिवम दुबे भी ना यहाँ पे अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे, क्योंकि शिवम दुबे का बल्ला चलाना तो तूफान आता है भाई साहब। 7वें नंबर की बात करें वॉशिंगटन सुंदर की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ जो इनकी परफॉर्मेंस है ना वो कुछ खास नहीं है, चोट भी इनको बहुत लगती है, लेकिन जब भी खेलते चाहे आईपीएल की बात करो इंडिया के लिए पिछले 1-2 सालों में, जब शुरू में आए थे तो बढ़िया परफॉर्मेंस करी थी, लेकिन अभी 1-2 सालों से जो इनकी परफॉर्मेंस है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। 8वें नंबर की बात करें तो यहाँ पे कप्तान जसप्रीत बुमराह दिखेंगे। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो बुमराह की वापसी बहुत दिनों बाद हो रही है, आप सबको तो पता है जब बुमराह खेलते थे तो अकेले गेंदबाजी कमान को संभालते थे, अब देखने वाली बात होगी चोट के बाद बुमराह का कैसा रिदम रहता है, वही रिदम रहता है या थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। 9वें नंबर की बात करें तो यहाँ पे रवि बिश्नोई की बात करें तो आईपीएल में हमेशा ठीक ठाक गेंदबाजी करी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब जब मौके मिले कभी अच्छी करी कभी अच्छी गेंदबाजी नहीं करी। 10वें नंबर की बात करें अर्शदीप सिंह बहुत दिनों से बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, फिर चाहे न्यू बॉल से स्विंग हो या डेथ में बढ़िया किफायती गेंदबाजी करना। 11वें नंबर की बात करें मुकेश कुमार का सीन कुछ ऐसा है कि डेथ में तो ठीक ठाक गेंदबाजी कर जाते हैं, स्लो ओवर यॉर्कर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिडिल में न्यू बॉल थोड़ा सा इनकी धुनाई हो जाती है। अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो लड़के नए हैं लेकिन कमाल के हैं, जो खिलाड़ी फॉर्म में है ना उन्हीं को टीम में लिया गया, ये बढ़िया परफॉर्मेंस करके आए तो इनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई लेवल पे है, तो यहां से किसी भी एंगल से जो इंडिया की नई टीम है कमजोर नजर नहीं आ रही है, युवा जोश के साथ भरी हुई है, बढ़िया परफॉर्म करके आ रही है, तो इंडिया की भी टीम जो है ना वो काफी ज्यादा कमाल की। वहीं अगर इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के बिहाफ पे कंपैरिजन करें तो आयरलैंड ने अपने लास्ट के 6 मैच में 5 मैच जीता, बस 1 मैच हारा। हां वो अलग बात है छोटी टीमों से मैच जीत के आए हैं, बस बांग्लादेश से एक बड़ी टीम से जीता है, बाकी सारे छोटी टीमों से मैच जीते, लेकिन भैया जीत तो जीत होती है छोटी हो या बड़ी हो। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 179/179 रनों का, जो कि बढ़िया होता है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 8.24 जो गेंदबाजी एवरेज होता है ना ये भी T20 में ठीक ठाक होता है, तभी तो आयरलैंड अपने लास्ट के 6 मैच में 5 मैच जीते, बस 1 मैच हारी। इंडिया की बात करें तो इन्होंने अपने लास्ट के 6 मैच में 4 मैच जीता, बस 2 मैच हारा, इंडिया भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके आ रहा। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 184 रनों का, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त होता है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 8.19 ये भी काफी ज्यादा बढ़िया होता है, मतलब इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों काफी ज्यादा बढ़िया चल रही। अगर हम यहां पे देखें तो जो करंट परफॉर्मेंस है दोनों टीमों की बेहतर है, चाहे हम आयरलैंड की बात कर ले इंडिया की बल्लेबाजी एवरेज या गेंदबाजी एवरेज की बात कर ले वो आयरलैंड के बराबर ही नजर आ रहा है, तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम है जो मैच उड़ा के ले जाएगी और जीतेगी, चलो जानते हैं। लेकिन उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है ना मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूं, आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हो, तो भाई का सपोर्ट करें, करना क्या है कुछ भी नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो भाई लोग सारे एनालिसिस करने के बाद अगर हम यहां पे देखें जो मैच है ना 70 और 30 का, 30 टीम आयरलैंड और 70 टीम इंडिया, और दोस्तों मुझे भी ऐसा लगता है जो मैच है ना इंडिया अपने नाम पे करेगा, हम फिर से सेलिब्रेट करेंगे, हम फिर से चिल्लाएंगे इंडिया इंडिया इंडिया। बाकी मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको पता है आयरलैंड वर्सेस इंडिया के अलावा लंका प्रीमियर लीग चल रही, 100 मेन एंड वुमेन कंपटीशन चल रहा, CPL चल रहा, तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहां
कहाँ पे मिलेगी? मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो जरूर ज्वाइन करें। बस एक चीज का ध्यान दे, फेक से बचे, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, इसलिए इधर उधर और कैसे ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है, वहां पे जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग, आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।